क्या आपको पता है कि जो ये अमेजिंग पेंटिंग्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक ऐसे इंसान ने बनाया है जिसका कोई भी आर्म नहीं है। और क्या आपने कभी जापान के रोलर कोस्टर ब्रिज को देखा है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा बर्ड है जिसका जो चोंच होता है वो उसके शरीर से भी ज्यादा बड़ा है? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 18, किसी भी फोन कंपनी का ना एक कस्टमर लॉयलनेस होता है, मतलब वो इंसान उस कंपनी के साथ फ्यूचर में टिक पाएगा या नहीं। जैसे आप अगर नोकिया का फोन खरीदे तो क्या आप फिर से नोकिया का फोन खरीदोगे या फिर क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे यूज करना? तो स्टैट्स की बात करें तो जो नोकिया कंपनी है ना उसका सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है, मतलब नोकिया के यूजर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है कंपनी के साथ। और 2020 के एक सर्वे की बात करें तो एप्पल और वन प्लस दोनों का सबसे हाईएस्ट कस्टमर लॉयल्टी है, मतलब जो एप्पल का फोन एक बार खरीद लेता है वो बार बार उसी का खरीदता है। और सेकंड में है वन प्लस। वन प्लस भी धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रही है। फैक्ट नंबर 17, जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन है ना, जैसे कप केक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, किटकैट, लॉलीपॉप और बाकी सब, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है, बट फैक्ट ये है ना, मतलब ये जस्ट एज अ जोक शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन मोबाइल का जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म होता है वो इतना चला कि इसका जो नाम है वो लोग कंटिन्यू रखे उसी चीज पर रखना जो कि खाने का नाम हो, मतलब हर वर्जन को खाने से जोड़ना। फैक्ट नंबर 16, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसे कहते हैं अक्रासिया, और इसका मतलब ये होता है ना कि ऐसे बहुत सी लाइफ में चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को करना चाहिए और इट्स गुड फॉर अस, बट हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हेल्दी खाना खाना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, पता है लॉजिकली कि ये सब करने से लाइफ पीसफुल रहेगी, तब भी बहुत कोई नहीं करते हैं। तो इसी चीज को, मतलब इसका डेफिनेशन देखो आप, अक्रासिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ विल दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट वी नो इज गुड फॉर अस। फैक्ट नंबर 15, एक स्टडी हुई थी और उसमें ये पता चला ना कि जो बच्चे रोते हैं ना, रोने का जो आवाज होता है ना, वो भी वो लोग का, आपको एक्सेंट के बारे में पता है? अमेरिका के लोग बोलेंगे हाउ आर यू, ब्रिटिश वाले बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है, और रशिया वाले बोलेंगे हाउ आर यू, और इंडिया में बोला जाता है हाउ आर यू। ये अलग अलग एक्सेंट होता है, ठीक है। तो बेबी जो रोते हैं वो भी एक्सेंट में रोते हैं। मान लो अमेरिका का कोई बच्चा रो रहा है, वो रोएगा और इंडिया का रोएगा, मतलब अलग अलग एक्सेंट होता है रोने का भी। अगर हम लोग डीपली ऑब्जर्व करें तो, मतलब उसके पेरेंट्स से मिलता है बच्चे को उनका नेचुरल एक्सेंट। फैक्ट नंबर 14, आर्टिस्ट ओलेना मेसनिक ने बुक मार्क बनाया था। बुक मार्क मतलब होता है कि आप किसी किताब को पढ़े और पढ़ने के बाद उसके नीचे वाले पेज में कुछ आप पेन रख दिया, कुछ रख दिए, ये नोट करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ और इसके बाद अब मुझे पढ़ना है। तो वो कुछ ऐसे बुक मार्क्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आदमी फंस गया है और पैर लटक रहा है उसका बाहर। ये बहुत ही यूनिक टाइप का बुक मार्क है जो कि आर्टिस्ट ओलेना मेसनिक ने बनाया था सबसे पहली बार। फैक्ट नंबर 13, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइफ स्ट्रॉ के बारे में आपने सुना है? आपने बियर गिल्स का शो देखा होगा डिस्कवरी में। वो क्या करता है कि अलग अलग जगह से, पहाड़ों से, कहां कहां का पानी रिफ्रेश करके पीता है, उसे प्यूरिफाई करके पीता है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो आप जंगल में फंस गए, ठीक है, और आपको कचड़ा वाला पानी मिला, तो लाइफ स्ट्रॉ नाम की जो कंपनी है ये ऐसे स्ट्रॉस बनाती है ना कि अगर कहीं का गंदा पानी होता है उसको ये प्यूरिफाई कर देता है, जैसे इस इमेज में आप देखो। और ये लाइफ स्ट्रॉ कंपनी ये क्लेम करता है कि ये सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देता है। ये बहुत ही, ये दुनिया के सबसे अमेजिंग टूल्स में से एक है। इन स्ट्रॉस को कहते हैं लाइफ स्ट्रॉ। फैक्ट नंबर 12, ये बहुत ही अलग टाइप की फैक्ट है। कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है, ठीक है, और क्लास में उसके सामने उसके स्कूल के जो वॉल होता है उसमें कोई साइंस का प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है, और दूसरे रूम में एक ग्रीन कलर का पेड़ का इमेज, नेचुरल टाइप का पूरा क्लासरूम बना हुआ है, या फिर खिड़की के बाहर उस बच्चे को पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो एक स्टडी में ये पता चला ना कि अगर नेचुरल या फिर नेचर से जुड़ी कोई भी चीज उस बच्चे को दिखती है ना, एग्जाम देते टाइम या फिर पढ़ाई करते टाइम, तो उसका फोकस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के साथ रहने पे एक अजीब सी चीज है, मतलब नेचर कहती है कि मुझे सपोर्ट करो, इससे आपका भला होगा, आपके मेंटल हेल्थ का। ये एक मिस्टीरियस चीज है ये, मतलब एक बंद क्लासरूम में टेस्ट देने से और एक ओपन ऐसे क्लासरूम में जिसमें पेड़ दिख रहा है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक ही स्टूडेंट एक ही टाइप का क्वेश्चन, बट ग्रीन व्यू वाले में उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, पता नहीं, ये एक मिस्टीरियस सी बात है।
फैक्ट नंबर 11, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। दैट्स वंडरफुल। और ये आज से लगभग 145 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। और दुनिया की सबसे पहली और सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो है एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी नीदरलैंड्स में। कैन यू बिलीव इट, 1602, इतना पुराना है ये इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया। और स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं आपको यहाँ पर अप स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। अप स्टॉक्स इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स में से एक है। अप स्टॉक्स में आप सिर्फ ₹100 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो, शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो और इवन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स इवन बैक्ड बाय मिस्टर रतन टाटा। जी हाँ, आपको बस आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए और आप इंस्टेंटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी इस समय आपको बहुत सारे लिमिटेड पीरियड ऑफर्स भी मिल जाएंगे, जैसे फ्री अकाउंट ओपनिंग, पहले मंथ के लिए फ्री ट्रेडिंग और स्टॉक एज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विच इज वर्थ ₹999 और ई लर्न मार्केट का स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स विच इज ऑल्सो वर्थ ₹999। दैट्स रियली फैंटास्टिक। मतलब आप फ्री में ट्रेडिंग भी सीख पाओगे, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट बात है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का एक्सक्लूसिव लिंक मौजूद है, आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, सो यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 10, स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। ये एक ऐसा बर्ड है जिसका जो चोंच होता है वो कैसे, मेरे को देख हंसी आता है इसको। मतलब देखिए इसको, इतना लंबा ये कैसे जीता होगा। मतलब किसी का होंठ अगर हम लोग इतना लंबा कर दे तो कैसे जिएगा आदमी। इसका जो चोंच होता है वो इसके बॉडी से भी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड, मतलब तलवार। फैक्ट नंबर 9, यूक्रेन के एविएशन इंजीनियर्स, मतलब जो प्लेन के टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो ना, पहले आप ये सुन लो रेफरेंस के लिए, कि जब भी कोई मान लो प्लेन जा रहा है और प्लेन क्रैश हो गया तो सब साथ ही गिरते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर उसका जो केबिन होता है वो डिटैचेबल हो जाए और वो प्लेन क्रैश के टाइम तुरंत डिटैच होकर उसके ऊपर से पैराशूट निकल जाए, तो वो जो इतना बड़ा केबिन होता है प्लेन का वो धीरे धीरे लैंड कर जाएगा, ठीक है। और जब फाइनली जमीन पे आएगा तो हल्का सा क्रैश करेगा, लेकिन क्योंकि वो पैराशूट के थ्रू आ रहा है, एक हैवी पैराशूट जो कि उतने लोड को सह सके, तो वो आराम से गिरेगा और हल्का फुल्का चोट लगेगा पैसेंजर्स को, बट जान तो बच जाएगी ना। तो जैसे आप इस इमेज में देखो, इस एनिमेशन में देखो कैसा, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले प्लेन है वो क्रैश हो रहा है, फिर वो केबिन डिटैच हो गया, फिर वो केबिन पैराशूट के मदद से नीचे आ रहा है। और अजीब बात यह है कि ऐसा होना चाहिए हर प्लेन में, बट आजकल के प्लेन में ऐसा नहीं होता, किसी भी प्लेन में ऐसा नहीं होता एडवांस्ड को छोड़ के, बट साइंटिस्ट्स इस पे काम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा तो पायलट्स और पैसेंजर्स का केबिन दोनों बच जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने ग्रेविटी, इंटरस्टेलर या फिर ऐसा कोई हॉलीवुड का साइंस फिक्शन मूवी देखा है? आप जानते हो कि अगर कोई मूवी बनाता है ना, तो मूवी बनाने वाले में से प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना आता है, डायरेक्टर को मूवी डायरेक्ट करना आता है और एक्टर्स को एक्टिंग करना आता है, बट साइंस का मूवी बनाते टाइम आपको नॉलेज चाहिए होता है साइंस का, नहीं तो आप कुछ भी दिखाएंगे तो हा 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 करेगी ऑडियंस, इतने फनी, सो फनी। तो उसके लिए हम लोग को एक्चुअल साइंस का नॉलेज चाहिए होता है। तो अगर आप मान लो साइंस फिक्शन का एक शॉर्ट मूवी या फिर साइंस फिक्शन पे एक मूवी भी बना रहे हो तो आपको गाइड चाहिए होगा, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, अमेरिका का जो एकेडमी है, वो साइंस हॉटलाइन नंबर प्रोवाइड करता है फिल्म मेकर्स को, और इस सर्विस में बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि हाँ फिजिक्स का ये लॉ होता है, आपको इस सीन को ऐसे दिखाना चाहिए, तब वो साइंटिफिकली एक्यूरेट होगा। 844-NEEDSCI, यही है वो हॉटलाइन। और इसमें 2700 से भी ज्यादा लोग आपके सेवा के लिए बैठे हुए हैं। आप फ्री में एडवाइस ले सकते हो कि क्या ये सीन एक्यूरेट है, क्या सब कुछ ये मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसा फिजिक्स होना चाहिए। और ये नंबर को ना वीडियो गेम मेकर्स भी यूज करते हैं, वीडियो गेम में भी फिजिक्स होता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। आप खुद कॉल कर सकते हो इस हॉटलाइन पे। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, वॉक्स का ये देखो, दी हॉटलाइन हॉलीवुड कॉल्स फॉर साइंस एडवाइस, ये मेंटल फ्लॉस का, देयर इज अ हॉटलाइन फिल्म मेकर्स कैन कॉल फॉर साइंस एडवाइस। ये आर्टिकल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बात है और इस हॉटलाइन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। फैक्ट नंबर 7, मेज के बारे में जानते हो आप, जैसे यहाँ से घुसे और आप भूल भुलैया में फंस गए, फिर आपको कॉल करके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो 60 एकड़ में मौजूद कूल पैच पंपकिन कॉर्न मेज डिक्सन में मौजूद, ये ऊपर से इसका व्यू देखो, ये एक एक्चुअल मेज है, भूल भुलैया है, और ये दुनिया का सबसे हार्ड मेज है। आपके पास अगर मैप भी हो ना तब भी आप भुला जाओगे इस पे जाओगे तो। लगभग जो भी जाता है इसके अंदर उसमें से 90% से ज्यादा लोग
कॉल करते हैं, अरे निकालो मेरे से नहीं हो पाएगा, अपुन से नहीं होगा। सोच रहे हो 60 एकड़ जमीन में ये इतना बड़ा मेज। फैक्ट नंबर 6, एक चाइनीज वुमेन, एक 14 साल की लड़की थी पहले, मतलब ऐसे देखो 14 साल की एक लड़की है, वो घर से भाग गई। सबको लगा कहां चल गई, नहीं मिली। 10 साल बाद वो पुलिस को मिली, पता है कहां? एक साइबर कैफे में। और बाद में पुलिस को ये पता चला कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलती थी, और ऑनलाइन गेम खेलते खेलते वो अपना पूरा दिन बिताती थी, और साइबर कैफे में रहती थी और पब्लिक टॉयलेट यूज करती थी। ऐसे करते करते वो 14 साल से लेकर 24 साल तक जिंदगी बिताई एक गेम के चलते। और आपको जानने का मन कर रहा होगा कि कौन गेम, तो उस गेम का नाम है क्रॉस फायर। ये चाइना की घटना है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, इनकी पेंटिंग हो रही थी, ठीक है? तो पेंटिंग करते करते वो पेंटर रुक गया और वो खाना खाने चल गए, और वहीं पे उनकी हैमरेज हो गई, और उसी टाइम उनको अजीब सा फील होने लगा दिमाग में, और उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। तो ये जो पिक आप देख रहे हो ये आधा ही कंप्लीट हुआ था उनके पेंटर के द्वारा, और ये बहुत ही फेमस पिक है उनका, और इस पिक का नाम है अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी कंप्लीट भी नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट, ओल्डेस्ट और क्वाइटेस्ट रूम जो है वो 220 फीट नीचे है अंडरग्राउंड में, ग्रैंड कैनियन कवर्न्स। ये 65 मिलियन ईयर ओल्ड गुफा के अंदर ये आपको रूम मिलेगा अगर आप यहाँ जाओगे तो। और इसका ऊपर से व्यू देखो ऐसा है, बट आप जब इसके अंदर जाओगे तो आपको अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा, और आपको गुफा में एक स्टे करने के लिए रूम दिया जाएगा 220 फीट नीचे। मतलब सोचो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट मोटेल रूम, डीपेस्ट, डार्केस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, क्वाइटेस्ट रूम। फैक्ट नंबर 3, आर्टिस्ट मॉरिस, उनका पेंटिंग देखो, ये शुरू से अपने ऐसे ही डिजेबल्ड हाथ से पेंटिंग करते हैं, बट इनका क्वालिटी देखो, जिनका नॉर्मल हाथ है वो सोच भी नहीं सकता ऐसा पेंटिंग बनाने का। इससे ये पता चलता है, एक मोटिवेशनल फैक्ट है ये, कि वर्स्ट होते हुए भी बेस्ट अचीव किया जा सकता है बॉयज एंड गर्ल्स, बस इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट। फैक्ट नंबर 2, जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम है एशिमा ग्रैंड ब्रिज, और इसे जापान का रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं। इसका व्यू आप देख सकते हो उसके अलग अलग एंगल से, ये ऐसा लगता है ना कि गाड़ी रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ रहा है। मतलब आप जब भी कार में या बाइक में ट्रैवल किए होंगे तो आप मतलब लग रहा है कि ब्रिज कितना ऊंचा टाइप का है, एकदम पहाड़ पे जा रहा है, ठीक है? बट इस पे आप जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप ऐसे आसमान की ओर जा रहे हो, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, एक अमेजिंग सी इंजीनियरिंग। फैक्ट नंबर 1, ये आप इस पिक्चर को देखो, इसमें इस टैंक में आप देख सकते हो क्या हुआ था ना, कि इसमें शुरू से दोनों एक ही क्वालिटी का पानी डाला गया था, बट एक में ऑयस्टर रहते हैं, और यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ी देर बाद ही वो गंदा पानी तो ऑफ कोर्स गंदा ही रहेगा, बट जिसमें ऑयस्टर है वो पानी साफ हो गया है। इसका साइंटिफिक कारण ये है ना कि जो ऑयस्टर होते हैं वो उसी को डाइजेस्ट कर लेते हैं गंदे को, दे यूज दैट एज फूड, और इसे एफिशिएंट फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। और एक अडल्ट ऑयस्टर जो है वो करीब 50 गैलन पानी को साफ कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इस ऑयस्टर नाम के जीव के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव लिंक के जरिए आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, सो यू शुड चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना। और आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।